सारेगामा कारवां डिजिटल ऑडियो प्लेयर, इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ, और हर हफ्ते हिंदी सिनेमा के पर्दे के पीछे वाले किस्से, कहानियां और उनसे जुड़े गाने लेकर के आती हूं आपके लिए। आज की मेरी प्लेलिस्ट एक पूरा माहौल बना देने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन अदाकाराओं और गानों के बारे में जिसके कारण मुजरा जैसा जो डांस फॉर्म है उसे एक नई पहचान मिली हिंदी सिनेमा में। हमारे इंडस्ट्री के सॉन्ग राइटर्स ने जितनी खूबसूरती से ये मुजरा वाले गाने लिखे हैं, हमारी एक्ट्रेसेस ने उतनी ही खूबसूरती से इन पर परफॉर्म करके जान डाली है। मुजरा मुगल्स के टाइम का डांस फॉर्म हुआ करता था और बॉलीवुड में उसकी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट जगह है। मुजरा इज़ अ डांस फॉर्म जो कि ओरिजिनेट हुआ था बॉलीवुड में तब जब मधुबाला जी ने ग्रेसफुली मुगले आज़म के टाइम पर डांस किया था, और तब से लेकर के अभी तक करीना कपूर तक सभी लोगों ने कभी ना कभी अपने बॉलीवुड के करियर में मुजरा तो परफॉर्म किया ही है। वैसे शुरुआत करते हैं आज के इस शो की उस फिल्म के गाने के साथ जिस फिल्म में रेखा जी ने अपनी नज़रों से हमें घायल कर दिया था। मैं बात कर रही हूँ उमराव जान फिल्म के गाने की। क्या आपको पता है उमराव जान का जो गाना था दिल चीज़ क्या है, इसे गाने से पहले, इनफैक्ट सभी गाने गाने से पहले आशा जी ने उमराव जान जो उर्दू नॉवल है उसे पूरा पढ़ा था, जिससे कि वो इस कैरेक्टर को समझ सकें और अपनी आवाज़ के ज़रिए बखूबी वो जो फीलिंग्स हैं उन्हें ट्रांसलेट कर सकें। सो अब जब आप ये गाना सुनेंगे तो आशा जी की नज़ाकत को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं रुचि आपके साथ वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान।
सारेगामा कारवां डिजिटल ऑडियो प्लेयर। इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। इश्क वालों से न पूछो कि उनकी रात कालम तन्हा कैसे गुजरता है, जुदा हो हम सफर जिसका वो उसको याद करता है, न हो जिसका कोई वो मिलने की फरियाद करता है। सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो, मेरा दिल बेचैन है, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के, क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ और आज के इस शो के ज़रिए हम मुजरा को सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक ऐसा डांस फॉर्म, एक ऐसा आर्ट फॉर्म जो कि हमारे बॉलीवुड में काफ़ी महत्व रखता है। हिंदी सिनेमा में सबसे पहले 1960s की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म जो बनी थी और उसमें सबसे पहले जो मुजरा दिखाया गया था वो फिल्म थी मुगल-ए-आज़म, जिसमें मधुबाला जी ने अपने एक्सप्रेशंस और ब्यूटी से मुजरा जैसे डांस फॉर्म के ऊपर लगे हुए जो टैबू थे, जो लोग बुरा मानते थे शायद इस डांस फॉर्म को, सभी को पछाड़ दिया था और बड़ी ही खूबसूरत तरीके से मुजरा को दिखाया था। मधुबाला जी के लिए ये फिल्म एक चैलेंज ज़रूर थी, क्योंकि ज्वेलरी से लेकर हाथ में बंधी हुई चेन सभी कुछ असली थी, सभी कुछ वज़नी थी, जिसके कारण मधुबाला जी को कई बार चोट लग जाती थी। गर्दन में स्पेशली उन्हें काफ़ी बार मोच आ जाती थी, जिसके कारण शूट को रोक दिया जाना पड़ता था। वैसे इस फिल्म के लिए हर एक चीज़ को देश के अलग अलग जगहों से लाया गया था, मतलब दिल्ली से जहां कॉस्ट्यूम्स लेकर के आए जा रहे थे, वहीं इसकी एम्ब्रॉयडरी सूरत में हो रही थी, जेवर हैदराबाद से आ रहे थे, जो क्राउन्स और मुकुट होते थे, जो भी होते थे ज्वेलरी वगैरह बाकी, वो कोल्हापुर से आती थी, वेपन्स राजस्थान से आ रहे थे और जूते चप्पल जो थे वो आगरा से आ रहे थे। वैसे इतना ही नहीं, इस फिल्म को बनने में कई साल लग गए थे, काफ़ी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज जुड़ी हुई थी, इतनी क्यूरियोसिटी हो गई थी इस फिल्म के आसपास कि जब ये फिल्म फाइनली रिलीज़ हुई थी तो सभी लोग चाहते थे कि जाएं और जाकर के ये फिल्म देखें कि आखिर इतनी क्या ख़ास बात है इस फिल्म में।
इसीलिए टिकट काउंटर्स के बाहर दंगे तक हो गए थे, मारा मारी हो रही थी लोगों के बीच में, क्योंकि टिकट्स तो कुछ ही होते थे और लोग इतने सारे थे जिन्हें फिल्में देखनी थी। लोग टिकट काउंटर्स के बाहर लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहते थे और हिलते नहीं थे। उनके परिवार वाले घर से खाने के डब्बे लेकर के आते थे और जो लाइन में लगे हुए घर वाले होते थे उन्हें वहीं पर लाइन में ही खिला दिया करते थे। मतलब फिल्मों को लेकर के अगर पागलपना हो तो ऐसा हो, इस कदर हो, वरना ना हो। अब इतनी बात हो ही गई है तो इसी बात पे चलिए फॉरएवर क्लासिक प्यार भरा गाना लता जी की आवाज़ में इसी फिल्म से सुनाती हूँ आपको मैं, रुचि वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर। Love this episode? Offline this video now and enjoy this show anytime, anywhere.
वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। आज की प्लेलिस्ट में कुछ ऐसे गाने हैं जो कि मुजरा आर्ट फॉर्म को, डांस फॉर्म को दर्शाते हैं। सारे गाने जो हैं वो मैं अपने डिजिटल ऑडियो प्लेयर सारेगामा कारवां से आपको सुना रही हूं। आई होप आपको अच्छे लग रहे हों। 60s की पाकीज़ा हिंदी सिनेमा की सबसे खास फिल्म रही थी। मैं क्यों कह रही हूं ऐसा, क्योंकि इसे बनने में भी 15 साल लग गए थे। इनफैक्ट खास इसलिए भी थी क्योंकि ये मीना कुमारी जी की आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म के तुरंत बाद उनका देहांत हो गया था। इनफैक्ट वो शराब की लत के कारण इतनी बीमार पड़ गई थी कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान भी उनकी तबीयत जो है वो बड़ी नासाज रहने लगी थी। थक जाती थी, शूटिंग के बीच में ज़मीन पर ही सो जाती थी। कुछ कुछ डांस सीक्वेंसेस में और लॉन्ग शॉट्स में एक्टर डांसर पद्मा खन्ना वॉज यूज्ड एज अ बॉडी डबल, क्योंकि मीना कुमारी जी के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो सभी जगह पर मौजूद रहें और सारे के सारे शॉट्स खुद दें। इसी कारण से फिल्म के डायरेक्टर कमाल अमरोही जी और मीना कुमारी जी के बीच में काफ़ी डिस्टेंसेस भी आ गए थे। ऑल्सो फिल्म रिलीज़ होने के बाद फिल्म की मेहनत रंग नहीं लाई थी। ऑफिस बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी गंदा रिस्पॉन्स मिला था इस फिल्म को। लेकिन मीना कुमारी जी के चले जाने के बाद पीपल रियलाइज्ड कि ये उनकी आखिरी फिल्म हो गई, और उसके बाद लोगों ने इस फिल्म को देखना शुरू किया और इट बिकेम अ हिट और एक कल्ट स्टेटस जो है वो इस फिल्म को मिल गया। वैसे इसी फिल्म के एक गाने में उनका चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया था। आखिर क्या थी इसके पीछे की कहानी और क्यों किया था ऐसा, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले सुनते हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स मीना कुमारी जी का, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में।
मैं रुचि आपके साथ वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते, वही थमके रह गई है। Enjoying this episode of Weekend Classic Radio Show. Do like this video and share this episode with your friends and family. And don't forget to subscribe to Saregama Music YouTube channel. Yeah,
उस खुशी पे ले जा, ना बस खुशी पे ले जा, ना हम पे इख्तियार है, ना हम पे इख्तियार है। ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, ये कौन सा दयार वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ। आज मुजरा वाले गाने लेकर के आई हूं मैं आपके लिए। सभी गानों को सुनकर के आपको भी नाच उठने का मन कर रहा होगा। मीना कुमारी जी की बात कर रहे थे हम कुछ देर पहले। चाहे किसी भी हालत में क्यों ना थी मीना कुमारी जी, लेकिन नज़ाकत के मामले में पर्दे पर सबको पीछे छोड़ दिया करती थी वो। तबीयत अच्छी हो या बुरी हो, कोई भी उनसे ज़्यादा नज़ाकतता तो दिखा ही नहीं सकता था। पाकीज़ा फिल्म पहले ब्लैक एंड वाइट में आधी बन चुकी थी, लेकिन जैसे ही कलर फिल्म्स आईं, उन्होंने कलर में फिल्म बनानी चाही, इसलिए इस फिल्म को बनने में और ज़्यादा समय लग गया था। सुना है चलो दिलदार चलो गाना जो है, उस गाने की शूटिंग के दौरान उनकी हालत इतनी ख़राब थी मीना जी की कि इस गाने को ऐसे शूट किया गया था कि उनकी शक्ल ही ना दिखाई दे। उनकी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि तीरे नज़र गाना जो इस फिल्म में था, जब शूट हो रहा था उसके दौरान वो बेहोश हो गई थी। वैसे अगली बार जब आप ये फिल्म देखें तब नोटिस करना कि मीना कुमारी जी के लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी फिंगर नहीं थी। एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उन्होंने अपनी ये फिंगर जो है वो गवा दी थी। लेकिन इस फिल्म के सारे डांसिंग सीक्वेंसेस इतनी बखूबी शूट किए गए थे, स्पेशली अमरोही साहब ने इतने अच्छे से ध्यान दिया था इस एक बात पर कि उनका लेफ्ट हैंड छुपाया जा सके, कि आपको कुछ अजीब लगेगा ही नहीं। वैसे भी मीना कुमारी जी ने सिर्फ अपने राइट हैंड से ही इतना मैजिकल परफॉर्मेंस दिया कि उनके ग्रेस के सामने कोई खामी नज़र आई ही नहीं। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगली बार नोटिस ज़रूर कीजिएगा। खैर, आइए सुनते हैं अगला गाना लता मंगेशकर जी की आवाज़ में, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मुजरा सॉन्ग्स। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो, मैं रुचि आपके साथ। लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों
अशर पी गजरी ना दुपट्टा मेरा, जितने अशर पी गजरी ना दुपट्टा मेरा, हो जे हो दुपट्टा मेरा, हो दुपट्टा मेरा। क्लासिक के न्यू एपिसोड्स हर थर्सडे रिलीज होते हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब टू सारेगामा म्यूजिक यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑन द ऐप, ताकि हम हर हफ्ते कुछ नई कहानियों और गानों के साथ मिलते रहें। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, के खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। मैं इंतजार करूं, ये दिल निसार करूं, मैं तुझसे प्यार करूं, हो मगर कैसे ऐतबार करूं। झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा सादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। तुम्हारी जुल्फ है या सड़क का मोड़ है ये, तुम्हारी आंख है या नशे का तोड़ है ये, कहा कब क्या किसी से तुम्हें कुछ याद नहीं, हमारे सामने है हमारे बाद नहीं, किताबे हुस्न में तो वफा का नाम नहीं, हर मोहब्बत तुम करोगी तुम्हारा काम नहीं, मोहब्बत तुम करोगी तुम्हारा काम नहीं, अगर चे खूब हो तुम मेरी महबूब हो तुम, अगर चे खूब हो तुम मेरी महबूब हो तुम, निगाहें गैर से भी मगर मनसूब हो तुम, किसी शायर से पूछो गजल हो या रुबाई, भरी है शायरी में तुम्हारी बेवफाई, हो दामन में तेरे फूल है कम और काटे हैं ज़्यादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा साधा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा।
जानती है, फसाने जानती है, कई दिल तोड़ने के बहाने जानती है। कहीं पे सोज है तू, कहीं पे साज है तू, जिसे समझान कोई वही एक राज है तू। कभी तू रूठ बैठी, कभी तू मुस्कुराई, अरे किसी से की मोहब्बत, किसी से बेवफाई, किसी से की मोहब्बत, किसी से बेवफाई। उड़ाए होश ताबा तेरी आंखें शराबी, उड़ाए होश ताबा तेरी आंखें शराबी, जमाने में हुई है इन्हीं से हर खराबी। बुलाए छाव कोई, पुकारे धूप कोई, तेरा हो रंग कोई, तेरा हो रूप कोई, हो कुछ फर्क नहीं नाम तेरा, रजिया हो या राधा। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा साधा। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ और आज कुछ मुजरा वाले गाने लेकर के आई हूं मैं आपके लिए। हिंदी सिनेमा के ज़्यादा से ज़्यादा मुजरा सॉन्ग्स जो हैं वो या तो लता जी ने गाए हैं या आशा जी ने गाए हैं, लेकिन दोनों ही बहनों ने साथ में ज़्यादा काम नहीं किया। वैसे बचपन की अगर बात करें तो लता जी आशा ताई के लिए बहुत ही पजेसिव और प्रोटेक्टिव हुआ करती थी। बड़ी होने के कारण उन्हें ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती थी कि वो एक अच्छा करियर अपनी छोटी बहन को भी दे सके, लेकिन आशा जी का ध्यान जो था वो प्यार इश्क मोहब्बत में ज़्यादा था। काफ़ी कम उम्र में ही इन्होंने शादी भी कर ली थी, जिससे लता जी बिल्कुल भी खुश नहीं हुई थी और इसलिए लता जी और आशा जी के बीच में काफ़ी खटास आ गई थी। दोनों के बीच में बातचीत भी बंद हो गई थी, लेकिन फिर किस्मत का खेल कुछ ऐसा था कि आशा जी की पहली शादी ज़्यादा दिन चली नहीं और फिर उन्होंने अपने करियर में ध्यान देना शुरू किया, एंड दैट्स व्हेन लता जी और आशा जी फिर से क्लोज हो गए थे। एक और समय भी ऐसा आया था जब जितने भी फन डांस नंबर्स जो होते थे या मुजरा सॉन्ग्स ही कह लो जो होते थे, वो सभी आशा ताई को जाने लगे थे और लता दीदी को नहीं मिल रहे थे। उस समय भी इन दोनों के बीच में थोड़ी जलन तो आई थी। काफ़ी कहानियां हैं इस चीज़ को भी लेकर के कि दोनों के बीच में अनबन हो गई थी, क्योंकि आशा ताई को म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने एक समय पर ज़्यादा काम देना शुरू कर दिया था। लेकिन खून का रिश्ता है, ज़्यादा दिन तक ये मन मुटाव चला नहीं। अब इन दोनों की इतनी बात हुई ही है तो एक ऐसा गाना सुनाती हूँ आपको जो कि दोनों लता जी और आशा जी दोनों ने साथ में गाया है। जानवर फिल्म से ये गाना मेरे आने रुचि के साथ सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो। Thank you.
इस वीकेंड क्लासिक रेडियो शो को आप एज पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं ऑन एंड्रॉइड एंड एप्पल प्लेटफॉर्म्स। Are enjoying this episode of Weekend Classic Radio Show. Do like this video and share this episode with your friends and family. And don't forget to subscribe to Saregama Music YouTube channel. चलिए तो मैं रुचि यहाँ से विदा लेती हूँ. मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते कुछ ऐसे ही किस्से कहानियाँ और आपके पसंदीदा गानों के साथ.